बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप सबको सलाम अलैकुम। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे, ये अजारो पोर ओम एक फ्रेग्रेंस है जिसके ऊपर मेरा रिव्यू ऑलरेडी अवेलेबल है। ये उसका फ्लैंकर है, इसका नाम है अजारो पोर ओम नाइट टाइम। ये इसका एक्सटर्नल बॉक्स है, अगर आप देखें नाइट टाइम इसके ऊपर लिखा हुआ है अजारो, ऊपर से सिल्वर है नीचे से ब्लैक हो जाता है, अगर आपको ये क्लियर नजर आ सके। और ये रही इसकी बॉटल, ये ऊपर से ट्रांसपेरेंट है नीचे से इस तरह ब्लैक हो जाती है। और ये मुकम्मल इसकी प्रेजेंटेशन, अजारो पर ओम लिखा हुआ है, अजारो लिखा हुआ है। अच्छा, ईडीटी कंसेंट्रेशन है, ईडीटी कंसेंट्रेशन है, इसीलिए ये प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा करती है। लास्टिंग इसकी उस लिहाज से मुकम्मल बात करते हैं इसके ऊपर, पहले डिफाइन कर देता हूँ मैं इसकी खुशबू के, इसकी खुशबू फील किस तरह की होती है, उसके बाद मुकम्मल बात करते हैं। क्योंकि मैंने आप लोगों को अजारो पोर ओम जो था ओरिजिनल, उसकी वीडियो में मैंने कहा था कि मुझे वो पर्सनली पसंद नहीं था। तो ये अयान मुगल मेरे घर के करीब ही एक छोटा जवान रहता है, टीनेजर है, तो उसने मुझे ये फ्रेग्रेंस इस्तेमाल करता है। तो जब मैंने अजारो देखा, मैंने कहा यार ये तो बहुत हार्ड फ्रेग्रेंस होती है, तो इतना यंग लड़का किस तरह इस्तेमाल कर सकता है इसको। बट जब मैंने इसको इस्तेमाल किया तो मुझे पता लगा कि किस तरह एक यंगस्टर जो है, जो टीनेजर है, वो किस तरह इसको इस्तेमाल कर सकता है। खैर, मैं आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ। 2011 के अंदर ये लॉन्च हुई फ्लैंकर है ओरिजिनल अजारो पोर ओम का। तो जैसे ही आप इस खुशबू को लगाते हैं तो इसके अंदर से देखें, तिम्बर एक चीज होती है, तिम्बर उसकी मिसवाक होती है, वो बड़ी खट्टी सी होती है। वो मिसवाक जैसे ही आप करते हैं, बाय द वे आप लोगों को बताता चलो, मिसवाक करना सुन्नत है, आप लोग भी मिसवाक किया करें। दिन में जोहर की नमाज और असर की नमाज का टाइम इस तरह का होता है, आइडियल टाइम होता है। कुछ लोग सुबह उठ के ब्रश करते हैं, उनकी आदत होती है, तो अच्छी आदत है। लेकिन जोहर और असर के टाइम पे आप नमाज से पहले, वजू से पहले मिसवाक कर लिया करें, बहुत ज़बरदस्त, दांतों के लिए बहुत अच्छी होती है, करनी चाहिए। खैर, ये तो था एक छोटा सा मैसेज। सुन्नत के तौर पे जब आप करेंगे तो आपको सवाब ही सवाब मिलेगा। आजकल के दौर में एक सुन्नत को जिंदा करना, एक सुन्नत को जिंदा रखना, उसका बहुत बड़ा सवाब है। आप उसको अपनाएंगे, आप सोचिए उसका मतलब, मिसवाक के वैसे ही बहुत ज़्यादा फायदे हैं, बहुत ही ज़्यादा फायदे हैं। तो उस तरह से देखा जाए तो खैर, तिम्बर की एक मिसवाक होती है, वो थोड़ी खट्टी सी होती है, और लिटरली इतनी खट्टी होती है कि जब आप उसको दांतों में चबा रहे होते हैं तो आपके मुंह में पानी आ जाता है, वो इतनी खट्टी सी होती है। तो उस तरह की तिम्बर की मिसवाक की तरह स्टार्ट इसका खट्टा सा है, खट्टा सा। प्लस जो हमारे हम बाल कटवाने जाते हैं जब बार्बर के पास, तो वो हमारे यहाँ पे कटिंग के बाद पाउडर लगा देते हैं समटाइम, पहले तो लगाते थे, आपका वो कुछ कहा नहीं जा सकता, पाउडर लगा देते हैं यहाँ पे, तो उस पाउडर की ना फीकी सी ऐशी सी एक खुशबू होती है। तो एग्जैक्ट वो जो पाउडर है ना, उस पाउडर की खुशबू प्लस तिम्बर की खटास। मैं आपको तिम्बर की खटास इसलिए कह रहा हूँ, बेसिकली तो ये मिंटी है, मिंट की खुशबू है, लेकिन वो मिंट इतना तीखा, इतना खट्टा सा मिंट है कि एग्जैक्ट वो तिम्बर की मिसवाक की तरह का। अगर आपको तिम्बर की मिसवाक आपने नहीं यूज़ की तो बस आप इतना कंसिडर कर लें कि खट्टा सा, मिंटी सा, यानी बहुत ज़्यादा मिंट को आप इतनी जगह पर इकट्ठा कर लें और उसको ज़रा सा टेस्ट भी कर लें, तो जो आपके मुंह में पानी आता है उस मिंट की वजह से, खटास की वजह से। तो एग्जैक्ट उस तरह की इसकी खुशबू इसके स्टार्ट में, प्लस वो पाउडरी सी खुशबू। अच्छा, जो मिंटी सी खुशबू है वो कुछ देर के बाद गायब हो जाती है, लगभग आप एक घंटा कह लें, सवा घंटे के बाद गायब हो जाती है। फिर ये टोटल एक पाउडरी सी खुशबू रह जाती है, वही जो पाउडर बार्बर शॉप्स के ऊपर होता है पाउडर, एग्जैक्ट इसकी खुशबू बस फिर उस तरह की पाउडरी सी रह जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, ऐशी सी प्लस हल्की सी स्वीट सी। और वो पाउडर भी 2 से 2.5 घंटे के बाद ये बिल्कुल स्वीट टोंका बीन की खुशबू रह जाती है। टोंका बीन की खुशबू मैं आपको बताता चलूँ किस तरह की, जिस तरह, लेकिन इस वक्त तक ये आपके स्किन के बिल्कुल करीब आ चुकी होती है, आपको कोई गले मिलेगा या आप खुद इसको ऐसे करके खुशबू करेंगे तो वो खुशबू आएगी, ठीक है। पाउडरी सी मतलब आप चीनी लें, चीनी का पाउडर बनाएं और उसको हवा में उड़ाएं, तो वो जो चीनी की एक पाउडरी सी ऐशी सी प्लस स्वीट सी खुशबू आ रही होगी, एग्जैक्ट वो वाली खुशबू इसके ड्राई डाउन में आ रही होती है। यह है तो अजारो पोर ओम का फ्लैंकर, लेकिन वर्थ बाइंग है।
इससे आपको सर में दर्द वगैरह नहीं होती, मतलब मुझे तो नहीं हुई, मुझे हजारों पर रोम से हो जाती थी, इससे तो बहरहाल नहीं हुई। एक बहुत ही अच्छी खुशबू यंगस्टर्स के लिए, यस, जो लोग कॉलेज गोइंग हैं, टीनेजर्स हैं, कॉलेज गोइंग हैं, जो लोग कॉलेज जाते हैं उनके लिए ये एक जबरदस्त किस्म की फ्रेग्रेंस है। ओके, ये तो हो गई हमारी खुशबू, मैंने आपको बता दिया। स्टार्ट में मिंटी, टिम्बर की तरह खट्टी सी, उसके बाद मिंटी प्लस पाउडरी ऐशी सी, और बिल्कुल एंड पे जाके सिर्फ और सिर्फ स्वीट, वो भी आपके स्किन के बहुत क्लोज, कोई आपको गले मिलेगा तो उसको फील होगी, अदरवाइज फील नहीं होगी। तो ये टोटल मैंने आपको डिफाइन कर दिया। अब बात करते हैं एज की। ओके, एज वर्सटाइल है, क्योंकि इसकी खुशबू में कुछ ऐसा नहीं है कि यंग लगा सकते हैं, ओल्ड एज नहीं लगा सकते, मिडिल एज वाले नहीं लगा सकते, नहीं, हर एज का बंदा इसको लगा सकता है, टीनेजर खसूसी तौर पे इसको लगा सकते हैं। दूसरी बात आ गई हमारी जेंडर की, मेरे ख्याल में सिर्फ मेल इसको लगा सकते हैं, फीमेल्स पसंद की बात है, अगर आपको वो पाउडरी सी खुशबू जो है वो अगर पसंद है, अगर, तो फिर तो आप लगा सकते हैं, अदरवाइज आपको इसको लगाने की, लेडीज को लगाने की जरूरत नहीं है, जस्ट जेंट्स के लिए है। अच्छा, एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्गजीविटी प्रोजेक्शन 6 घंटे, मैक्सिमम 6 घंटे इसकी लॉन्गजीविटी आपको मिलेगी। 1 से 1.5 घंटा जो इसकी प्रोजेक्शन है वो बहुत ही जबरदस्त है, उसके बाद ये लिटरली आपके 1 फुट के गिर्द गिर्द रह जाती है, क्योंकि ईडीटी कंसेंट्रेशन है, तो ईडीटी कंसेंट्रेशन का फायदा ये होता है कि ये प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा करती हैं, लॉन्गजिविटी इनकी कम होती है, ठीक है। तो ये इसका हो गया टोटल। प्राइस रेंज के लिहाज से बात की जाए, मुझे ये एयान मोगल ने दी है, मेरे ख्याल में लगभग 6,500-7,000 रुपए से नीचे नीचे आपको ये मिल जाएगी। इसका जो है क्वांटिटी है वो 100 ml है, ईडीटी कंसेंट्रेशन है, 6,500 रुपए से नीचे नीचे आपको मिल जाएगी। बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है, हर एज का बंदा इसको लगा सकता है, जेंट्स लगा सकते हैं, लॉन्गजेविटी प्रोजेक्शन भी ठीक है, लॉन्गजेविटी 6 आवर्स आपको मिल जाएगी, प्रोजेक्शन 1.5 से 2 घंटे आपको इसकी मिलेगी। तो मेरे ख्याल में ओकेजन, ओके, ऑफिस, शादी पे जा रहे हैं, किसी फंक्शन पे जा रहे हैं, दोस्तों से मिलने जा रहे हैं, खाना खाने जा रहे हैं, हर ओकेजन पे आप इसको लगा सकते हैं, हर वर्सटाइल टाइप फ्रेग्रेंस है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में आप हर एस्पेक्ट इसका मैंने कवर कर लिया। मैंने जब ये फ्रेग्रेंस ली थी तो मुझे ऐसे लग रहा था कि मुझे शायद ये पसंद नहीं आएगी, क्योंकि हजारों का फ्लैंकर है, बट उससे थोड़ी सी डिफरेंट है और बहुत ही जबरदस्त खुशबू है, बहुत ही जबरदस्त, यंगस्टर्स के लिए, सबके लिए, सबके लिए। तो ये था जी आज का हमारा हजारों पोर ओम नाइट टाइम। थैंक यू सो मच।